तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक है और वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं जो देखने में ऑड भी ना लगे और उनकी पॉकेट पर भी ज़्यादा असर ना डाले। तो आज का व्लॉग उन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आज हम बात करने वाले हैं कि अब जैसा कि आप अपने सामने देख ही पा रहे होंगे, हमारे पास दो मॉडल खड़े हैं। एक हमारे पास मिलिट्री ब्लैक है और दूसरा हमारे पास ब्लैक गोल्ड है और दोनों ही स्टैंडर्ड मॉडल है। तो आज हम सिंपली दो मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ जो देखने में ऑड भी नहीं लगेंगे और आपके पॉकेट पर भी उनका कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला मॉडिफिकेशन जो हमारे रिम को लेकर है। जैसा कि आप मिलिट्री ब्लैक में देख पा रहे होंगे, इसमें मैट फिनिश में आपके रिम दिए हुए हैं और जो आपका ब्लैक गोल्ड है इसमें निकल फिनिश में आपके जो रिम है वो दिए हुए हैं। तो पहला हम मॉडिफिकेशन मिलिट्री ब्लैक में यही कर सकते हैं कि जो इसके निकल वाले रिम हैं वो इसमें लगा सकते हैं। उससे देखने में एक तो ऑड नहीं लगेगा और साथ साथ इसका लुक भी इन्हेंस हो जाएगा। पर अभी इसमें थोड़ा सा जो पिछले वाला रिम है आपका उसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, पर जो अगले वाला है वो एज़ इट इज़ लग जाएगा। पर पिछले वाले में इसमें थोड़ा डिस्क प्लेट लगी हुई है, आपको पता ही है ABS है ये पिछले वाला, और जो हमारा मिलिट्री ब्लैक है वो ड्रम ब्रेक है। तो उसको लेकर थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन होगा, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ क्योंकि मैं अपनी बाइक में भी यही वाले निकल वाले रिम लगाने वाला हूँ। तो उसका जो मॉडिफिकेशन करना होगा, जो उसमें ज़रूरी बदलाव होंगे वो आपको आने वाली आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मिल ही जाएंगे। पर जो फ्रंट वाला इसका निकल वाला रिम है ये आप एज़ इट इज़ ऐसे ही डाल सकते हो, ये सेम लग जाएगा। पिछले वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, वो मैं आपको आने वाली जो वीडियो है उसमें बता ही दूंगा। पर मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप पहला तो इसमें इसके रिम को चेंज कर सकते हो जो देखने में ऑड भी नहीं लगेंगे और महंगा भी नहीं पड़ेगा ये आपको, क्योंकि जिनके पास ब्लैक गोल्ड है वो अपनी बाइक में अलॉय व्हील डलवा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे आपको ये वाले रिम जो है वो हाफ रेट में पड़ जाएंगे। और साथ साथ जो रॉयल इनफील्ड का अथोराइज सर्विस स्टेशन है वहाँ पर भी कुछ लोग चेंज करवा रहे हैं, तो उनके पास भी आपको सेकंड हैंड ये रिम मिल जाएंगे जो आपको हाफ रेट में पड़ जाएंगे। तो ये आपके पॉकेट पर भी ज़्यादा असर नहीं डालेगा। और साथ साथ दूसरा मॉडिफिकेशन आप इसके लेग गार्ड को लेकर कर सकते हो। जैसा कि आप मिलिट्री ब्लैक में देखते हो उसमें ब्लैक मैट ब्लैक में आपका लेग गार्ड आता है, पर इस वाले मॉडल में आप देख पा रहे होंगे निकल का लगा है। तो इस तरीके से आप इसमें ये वाला लेग गार्ड भी लगा सकते हो जो आपके बाइक के लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। और ये वाला जो लेग गार्ड है वो जो आपका एयरफ्लाई आता है मैट ब्लैक में जो मिलिट्री ब्लैक में लगा हुआ है, इससे 500-700 रुपये आपको सस्ता ही पड़ने वाला है अगर आप न्यू भी लेते हो, और अगर आपको सेकंड हैंड मिल जाता है तो वो आपको हाफ रेट में पड़ जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है जो आप अपनी बाइक में करवा के देख सकते हो। और इसका वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पर, मैं बहुत जल्दी ये वाले दोनों मॉडिफिकेशन कर आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके बाद आपकी बाइक की लुक कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और वो देखने में भी बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा। तो जो लोग न्यू जुड़े हैं वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यही मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो डालने के लिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।